हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये सिंपल ग्लैम मेकअप लुक, जो कि मैंने किया है नवरात्रि स्पेशल। सो बहुत ही इजी तरीके से है, और अगर आप चाहते हैं मेरी वीडियो देखना तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं मेकअप लुक, जो कि बहुत ही ईजी एंड सिंपल है। सो मैंने अपने फेस को कर लिया है क्लीन, एंड मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का टोनर। बहुत ही अच्छा टोनर है, बहुत रिफ्रेश कर देता है आपकी स्किन को। उसके बाद मैं ले रही हूँ 9 to 5 लैक्मे का फेस सीरम, हाइड्रेट करता है आपकी स्किन को बहुत अच्छे से। देन अपने ब्लैक एरियाज़ को कवर करूँगी मैं 303 येलो कलर के साथ, कलर करेक्टर के साथ। सो इसे मैं फिंगर से ब्लेंड करूँगी ब्रश के साथ अप्लाई करने के बाद। तो बहुत ही अच्छा है ये, एंड बहुत अच्छे से हाइड कर देता है आपके डार्क एरियाज़ को। सो बहुत ही ईजीली आप इसे अप्लाई कर सकते हैं अपने डार्क एरियाज़ पर। तो इसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ स्पिंज की बीबी क्रीम। तो बहुत अच्छी क्रीमी सी है, और इस तरीके से मैं इसे अप्लाई करूँगी। एंड मूज फाउंडेशन की तरह होती है ये, बहुत अच्छी वेलवेटी क्रीम है। सो इसे डॉट डॉट करके मैं अप्लाई कर लूँगी अपने पूरे फेस पर, अपने नेक एरिया पर भी अप्लाई करना इसे बिल्कुल ना भूलें। देन मैं इसे अपने हैंड से ही ब्लेंड करूँगी, अपने फेस पर अप्लाई करूँगी, बहुत इजीली ये अप्लाई हो जाती है आपकी। सो इस तरीके से अपने फिंगर्स की हेल्प से अपने फेस पर इसे अप्लाई करेंगे। बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, आप इसे डेली यूज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं थोड़ी सी कम क्वांटिटी के साथ। सो मैंने मेकअप लुक फेस्टिव मेकअप लुक है, इसलिए थोड़ा सा अमाउंट इसका ज़्यादा रखा था। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा एक बेस बना देती है ये बहुत अच्छे से। सो फुल कवरेज नहीं है, इसीलिए ये आप डेली यूज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर, एंड अपने हाइलाइटिंग एरियाज़ पर इस तरीके से कंसील करेंगे। आप इसे अपने डार्क स्पॉट्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड वेट ब्लेंडर से इसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ बहुत ही अच्छे से। सो स्विस ब्यूटी का कंसीलर जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है मुझे। और इसके बाद मैं कॉन्ट्यूर स्टिक लूँगी, ये है NYB की कॉन्ट्यूर स्टिक, एंड कॉन्ट्यूरिंग करूँगी अपने फेस को एक स्ट्रक्चर देने के लिए। और बहुत ही अच्छा लगता है कॉन्ट्यूरिंग करना। सो आजकल बहुत ज़्यादा अप्लाई किया जाता है मेकअप में, एंड सेम ब्लेंडर से मैं इसे ब्लेंड करूँगी। एंड बहुत ही क्रीमी स्टिक है NYB की, सो बहुत अच्छी लगती है मुझे ये, इससे कॉन्ट्यूर करना स्पेशली मुझे बहुत पसंद है। सभी शेड्स में अवेलेबल होती है ये। सो इसके बाद मैं ले रही हूँ रेनी का लिप ग्लोज है ये, बट मैं इसे एज अ ब्लशर अप्लाई करने वाली हूँ। बहुत ही अच्छे से आपको ये एक नेचुरल सा ब्लश देता है, बहुत अच्छा आपका चिक्स को नेचुरल लुक देता है, एंड बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया है देख सकते हैं आप। सो इसके बाद मैं अपने जो बेस को है सेट करूँगी पर्पल के कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ। सो इस तरीके से अप्लाई करूँगी मैं कुछ एरियाज़ पर। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने अप्लाई किया है, एंड नेक एरिया पर अप्लाई ज़रूर करें। उसके बाद मैं ले रही हूँ कलर स्क्वीन का हाइलाइटर, एंड ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत पिगमेंटेड है। सो आईब्रोज़ मैं करूँगी स्विस ब्यूटी की आईब्रो डिफाइनर से, ये मेरी फेवरेट पैलेट है। सो आईब्रोज़ मैं हमेशा ही इसी से करती हूँ, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो अपनी आईब्रोज़ को एक शेप देंगी, फिल करेंगे, और आप जैसा चाहते हैं वैसा इसे लुक दे सकते हैं अपनी आईब्रोज़ को। इसमें 4 शेड्स हैं, थ्री शेड हैं और एक जेल है। सो यहाँ पर आई शेडो मेरी आईब्रोज़ जो हैं वो कम्प्लीट हो गई हैं। सो अपने आई शेडो के बेस के लिए मैं कंसीलर अप्लाई करने वाली हूँ अपनी आईज़ के ऊपर। इस तरीके से बेस बनाऊँगी मैं, एंड इसे भी अच्छे से अप्लाई करूँगी। देन मैं इसे करूँगी ब्लेंड, सो ब्रश की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ। और इसे सेट करने के लिए मैं लूँगी कॉम्पैक्ट पाउडर, सेम पर्पल का कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है, और इसे मैंने सेट कर दिया है अच्छे से। सो मार्स की पैलेट में यूज़ करने वाली हूँ, और ये फ्लफी ब्रश है, और इसे मैं लूँगी पिंक कलर। सो अपने क्रीज एरिया पर इसे अप्लाई करते हुए अपनी आईलिड पर अप्लाई करने वाली हूँ इस तरीके से,
बहुत ज़्यादा वाला मैं मेकअप लुक नहीं करने वाली हूँ आई मेकअप। सो आई आउटर कॉर्नर पर मैं थोड़ा सा ग्रीन कलर दूंगी अपनी आउटफिट से मैच करता हुआ। सो इस तरीके से वी क्रिएट करते हुए अपने अप्लाई करेंगे। देन मैं इनर कॉर्नर की साइड अपने आईलिड पर गोल्डन शेड लेने वाली हूँ, जो बहुत ही अच्छी पैलेट है, पिगमेंटेड है सभी शेड। इस तरीके से गोल्डन अप्लाई कर लिया है मैंने। सो बहुत ही सिंपल सा आई मेकअप लुक मैंने रखा है, बिकॉज कि नवरात्रि है। सो विंग्स नहीं करूँगी एंड सिंपल सा एक पतली सी लाइन क्रिएट करते हुए लाइनर अप्लाई करूँगी। देन मैं मस्कारा यूज़ करने वाली हूँ, जो कि है पर्पल का। उसके बाद मैं मेरी फेवरेट काजल अप्लाई कर रही हूँ। देन अगेन मैंने मार्स की पैलेट ली है और उसका ग्रीन शेड मैं अप्लाई कर रही हूँ अपनी लोअर लैश पर। सो हाइलाइटर लिया है अपने ब्राउ बोन के लिए और इनर कॉर्नर पर अप्लाई किया है थोड़ा सा। सो पर्पल की पिंक लिपस्टिक मैंने अप्लाई ली है और इसे मैं अपने लिप्स पर अप्लाई करने वाली हूँ। देन थोड़ा सा ग्लॉसी करने के लिए मैं लिप्स पर रेनी का लिप ग्लॉस अप्लाई करूँगी। रेनी की लिप ग्लॉस का मैंने रिव्यू शेयर किया है एंड वीडियो भी मैंने डाली है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी। सो यहाँ पर मैंने लैशेज पॉपअप कर लिए थे एंड यहाँ मैं देख सकते हैं आप ऑक्सीडाइज ज्वेलरी डाली है। सो बहुत ही सिंपल सा एंड ईजी सा ग्लोई सा मेकअप लुक है। तो आप कैसा लगा आपको मेरा मेकअप लुक, जो कि मैंने नवरात्रि स्पेशल किया है। तो अगर आपको पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, बट अगर आप चाहते हैं आपके मेकअप में थोड़ा और कुछ जान डालना तो आप यूज़ कर सकते हैं बिंदी का। सो बिंदी लगाने से आपका एकदम लुक चेंज हो जाता है। सो मैंने लगाई है ग्रीन कलर की बिंदी अपनी आउटफिट से मैच करती हुई एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक गाइज। कैसा लगा आपको मेरा मेकअप लुक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड सो काफ़ी सारी मैंने रील्स बनाए हैं इंस्टा पर भी, आप मेरा अकाउंट चेक कर सकते हैं कविता डॉट वर्ल्ड के नाम से। एंड फेसबुक पर भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं कविताज वर्ल्ड पर। एंड ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर पसंद आती है तो इसे शेयर करें। मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।